इसराइल आने वाले दिनों में हमास पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल गाजा शहर से हमास को पूरी तरह से खत्म करने के साथ में उसे वहां से खदेड़ने का प्लान बना रहा है। हालांकि इसराइल इसे जितना आसान समझ रहा था, ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास ने इसराइल को जवाब देने के लिए कड़ी तैयारी कर रखी है। इसराइल जैसे जैसे गाजा पट्टी में चौतरफा जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हमास द्वारा बनाए गए सुरंग नेटवर्क सामने आ गए हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसराइल को चेतावनी दी है कि जमीनी हमले में इसराइल ने अगर इन सुरंगों को हाथ लगाया तो वो अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल लेगा। ऐसे में इसराइल को अपने दुश्मन से लड़ना आसान नहीं होगा। सुरंगों का नेटवर्क घनी आबादी में है, इसलिए भी ये इसराइल के लिए चुनौती बन गया है। इन सुरंगों को टेरर टनल भी कहा जाता है। इसराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा है कि वे सुरंग नेटवर्क के कुछ हिस्सों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये एक आसान लड़ाई नहीं होगी। इसराइली रक्षा बलों ने साल 2021 में दावा किया था कि हमास के 100 किलोमीटर से ज्यादा सुरंग नेटवर्क को नष्ट किया जा चुका है। इसराइल के दावे के बाद हमास के नेता याहमा सिनवार ने कहा था कि गाजा में सुरंग नेटवर्क 500 किलोमीटर लंबी है और केवल 5% सुरंगें ही नष्ट हुई हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग 392 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली का आकार गाजा से 4 गुना ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा पट्टी में अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क कितना बड़ा है। इसराइल के हमले करने के बाद हमास के लड़ाके इन सुरंगों में छिप जाते हैं। बता दें कि साल 2007 में गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद से हमास ने शहर के साथ साथ गाजा इसराइल बॉर्डर तक अंदर ही अंदर सुरंग नेटवर्क तैयार कर लिया है। हमास के इस सुरंग नेटवर्क को इजरायली सेना ने गाजा मेट्रो का नाम दिया है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इन सुरंगों में हमास ने पर्याप्त रोशनी, हथियारों और गोला बारूद को छिपाने के लिए जगह बना रखी है। सुरंग की दीवारें सीमेंट से बनाई गई हैं। ऐसे में जमीनी लड़ाई पर उतर रही इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस टेरर टनल से पार पाना है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।